हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं रिकने खाल, जिस खुशखबरी की मैं बात कर रही थी। आज दिखाऊंगी आपको रिकने खाल जाके कि क्या है। तो फिलहाल चलते हैं। अनिकु के पापा और तो चले गए हैं और हम भी जा रहे हैं। तो चलो फिर, आप भी चलो हमारे साथ रिकने खाल। अब कर रहे हैं डांस। धरणी का कमाई। तो दोस्तों, अंदर से कुछ ऐसी है हमारी दुकान। तीन टेबल लगे हुए हैं और किचन है और यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है, अभी और रखना है। बाकी चार टेबल हैं, तीन नहीं चार हैं। और इधर की साइड किचन, अच्छी समझा। अनिकु अनिकु भी आया। नहीं देखो, हाँ वीडियो बनाओ ना। बिक्री हो गया थी गुचुड़ पुचुड़ कर सब। एक पतले अंदर नहीं था, तुम दू जा ज्यादा धर्म वाला। तो दोस्त, अभी आ गए हैं हम अपने होटल से वापस। और अनिकु को देखो, अनिकु को यहाँ पे मस्ती कर रही है। अनिकु है ना, अनिकु देख, अनिकु अनिकु नहीं देखेगी। और अभी मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, कोई नहीं आया अभी। और लोग भी हैं गांव के, अभी आएंगे। तब तक हम यहीं पे बैठ रखे हैं, मैं और अनिकु, है ना अनिकु? हाँ जी। तो दोस्त, अभी आ गए हैं हम रिकने खाल से घर और कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं और चूल्हे पर रखी आज चाय, क्योंकि हमने अपना गैस वाला चूल्हा जो है बनाने को दिया है। उसका एक वाला चूल्हा ना कम जल रहा था, उसकी आँच कम आ रही थी, तो आज उसे बनाने में ले गए। तो शायद शाम तक ही आएगा, अभी हमने बनाए थे उसके साथ में। तो चूल्हे में बनाने पड़ रही है आज चाय। और चूल्हे में तो कुछ भी बनाओ तो होता बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, चाय बन रही है हमारे यहाँ पे। और जो कोई भी रिकने खाल ब्लॉग से मेरे ब्लॉग देखता है और रिकने खाल मार्केट में जाता है तो ज़रूर जाए हमारे होटल में। और होटल कहाँ पे है मैं आप और शाम को निकी जी बताएंगे, क्योंकि मुझे भी प्रॉपर पता नहीं है ना रिकने खाल के बारे में भी। तो आपको निकी जी बताएंगे कि कहाँ पर है। और जो होटल है उसे चलाएंगे हमारे देवर जी, आपको वहाँ देवर जी मिलेंगे। और अगर मेरा नाम लोगे तो आपको डिस्काउंट भी ज़रूर मिलेगा। तो आप भी ज़रूर जाए हमारे होटल में और देवर जी के हाथों का स्वाद लीजिए। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं शाम के 5 और मैं बना रही हूँ आज मीठे करेले की सब्जी। निक्कू आई थी रिकने खाल आज, तो लाए थे मीठे करेले और मूले। मूले एकदम तजी हो रखे अच्छे, मीठे करेले और मूले की सब्जी बना रही हूँ मैं। और देखो
कितने बड़े बड़े हो रखे हैं मीठे के लिए। और यहाँ पे चूल्हे में रखा है पानी, आज चूल्हे में बनाऊंगी सारा खाना मैं, इसके 5 बजे से लग गई हूँ। चलो फ्रेंड्स अभी मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने सब्जी बना दी है और अभी बना रही हूँ मैं यहाँ पे मैगी, एक देखो। और सब्जी मैंने यहाँ पे गाड़ के रख दी है, ये बन रही है मैगी। ऐसे सूखना चाहिए तेल और खुशबू आई तेल की, तो मतलब तेल पक गया है। उसके बाद इसमें प्याज डाल देने चाहिए और नेगी जोर अभी नहीं आए हुए, ये रखनी खाली, अभी पता नहीं कब तक आएंगे वो भी, आज देर तक ही आएंगे शायद। तो चलो मैं बनाती हूँ मैगी फिलहाल, है ना। तो दोस्तों कल वाला ब्लॉग करते हैं आज यहीं पे ख़त्म, क्योंकि कल रात को मैंने ब्लॉग ख़त्म नहीं किया था, अनिकू को आ रही थी नींद। अभी देखो इसकी मस्ती, ये टोपी सॉक्स सब निकाल के फेंक दे रही है ना। कल इसके लिए फिर लाई थी मैं टोपी, 1 महीने में मैंने 3 टोपी ले आई इसके लिए, पर एक भी हो जो इसे सर पर रख रही होगी। मैं मोंकी वाली कैप लाई थी इसके लिए कल, वो भी उसे निकाल निकाल के फेंक दे रही, मैंने कहा वो उसी तरह रखेगी सर पर ना, पर नहीं। ये बहुत गंदा बच्चा ही है ना, है ना। इधर आओ इधर आओ, चलो प्रणाम करो, सब प्रणाम करो, चलो प्रणाम करो, बोलो प्रणाम करो, बाबा हाथ जोड़ी करो प्रणाम, शाबाश। तो आज तो निकू ने प्रणाम कर दिया है ना, अब राम राम भी कर दो, तो राम राम करो कल, राम राम। तो बहुत बढ़िया है ना, कभी कभी अच्छा बच्चा बन जाता है, कभी 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 गंदा बच्चा बन जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग करते हैं, फिर मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।